तो कैसे हैं आप लोग। एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है भाई। तो सुबह 5 बज चुके हैं, चल रहे चाय पीने। आजकल रात में नींद नहीं आती तो सुबह चल रहे चाय पीने हम लोग। ठीक है, फिलहाल चल रहे अभी चाय पीने। सुबह हो चुकी है भाई, कोई भी नहीं है सामने भी, 5 बज रहे हैं। ठीक है, चलते हैं चाय पीने, देखते हैं मिलता है नहीं चाय। मज़ा आ रहा है सुबह सुबह उठ के। दोस्तों चाय पीने के बाद मैं आके सो गया था, अभी 12 बज चुके हैं भाई, 12:14 हो रहा है। चलते अभी खाना खाने, नहा लिया मैंने मस्त। अभी कल हमारा मैच है, आज हमारा कोई मैच नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल चल रहे अभी खाना खाने उसी अंकल की दुकान पे, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और एक बार थोड़ा सा राइस मैं खाता हूँ, ज़्यादा राइस भी नहीं खाता, और आते जाते भी बच जाएगा, क्योंकि जाना भी डिस्टेंस हुआ था 600-700 मीटर और आना भी, डाइजेशन हुआ था अच्छा। ठीक है, और आएंगे तो देखते हैं, कुछ फ्रूट ले लेंगे। फिलहाल चलते अभी खाना खाने। ओके, तो फाइनली दोस्तों आ गया अंकल के यहाँ खाना खाने में। मछली पड़ाई हो गई, फिलहाल ऑलमोस्ट बन ही गया सब कुछ। चलिए खाना खाते हैं भाई, और खा के सीधा रूम पे जाएंगे और रेस्ट करेंगे आराम से फिलहाल। और कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, आपको अच्छा होटल भी नहीं है, और ये बढ़िया खाना देते हैं। होटल में मत जाइएगा, होटल तो नॉर्मल सा है, लेकिन नॉर्मल सेटअप है इनका, और खाना अच्छा मिलता है। चलो मछली पड़ाई होगा, तो चलिए खाना खाते हैं। ओके तो भाई खाना खा के आ गया था मैं, और फिलहाल अभी रेस्ट कर रहा हूँ, सो रहा हूँ। शाम में चलेंगे रनिंग करने, थोड़ा बॉडी वॉडी खोल लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी सोता हूँ, खाना खा के नींद आ रहा है मेरे को। बहुत ज़्यादा फ़ोन चला रहा हूँ आजकल, और ये बहुत सही नहीं है, आँख पे भी मतलब थोड़ा सा प्रेशर पड़ रहा है। ठीक है, तो सोते हैं भाई यहाँ, और 5 बजे उठेंगे, फिर चलेंगे शाम में 5 बजे रनिंग करने। फिलहाल ठीक है, मैं सोता हूँ। ओके गाइस, आधे घंटे लेटा मैं और नींद नहीं आ रही थी मुझे, तो अभी सोचता हूँ वर्कआउट कर लूँ थोड़ा। ठीक है, टी शर्ट चेंज कर लिया मैंने, चलिए वर्कआउट करता हूँ मैं। ये मेरा मैट रहा, ठीक है, इसी पे करेंगे वर्कआउट करके, शाम में देखते ही रहने का टैग थका अगर ज़्यादा ना, तो फिर मैं रनिंग करने भी चला जाऊँगा। ठीक है, तो गाइस वर्कआउट कम्प्लीट हो गया भाई, और 45-50 मिनट्स वर्कआउट किया मैंने, और कोर किया मैंने, इसमें स्क्वाट किया, लंजेस, पुशअप्स, फ्री स्क्वाट, सीटअप्स, 2-3 तरह के सीटअप किए, लेग रेस करके, लेग बैंड करके, मतलब 7-8 एक्सरसाइज किया मैंने, और सबसे ज़्यादा कोर और साइड वाइज। ओके, वर्कआउट कंप्लीट, वार्म अप, बॉडी ठंडा होगा, फिर नहा लेंगे, फिर देखते हैं ग्रीन टी लेके, साथ में चिकन खाएंगे, क्योंकि प्रोटीन इंटेक मेरा पूरा नहीं हो रहा, इसलिए मसल बिल्ड नहीं हुआ कोई भी एक्सरसाइज करने से। इतना भी इंटेंस वर्कआउट कर लो आप, अगर आप आपका प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं होता, और मेरा बॉडी का वेट 78 kg है, साफ सिर्फ 150 ग्राम प्रोटीन एटलीस्ट चाहिए मुझे। ठीक है, तो भाई उतना प्रोटीन ले नहीं रहा मैं, इसलिए मेरा फैट ज़्यादा हो रहा है, मसल गेन नहीं हो रहा मेरा। ठीक है दोस्तों, अभी बाहर गया था मैं, और आज चाय वाई नहीं पिया मैंने फिलहाल, और ये मैं लेके आ गया 2 किलो के करीब मैंने ये ले लिया भाई, क्योंकि ज़्यादा ले लिया, क्योंकि मैं 2 बार खा लूँगा रात में, खाने से इसका फैट गेन नहीं होता। और ये ब्रेड ले लिया है, पीनट के साथ खा लूँगा रात में, दिक्कत हुआ तो भूख लगी तो। और फिलहाल आज बॉयल करके चिकन खा रहा हूँ फिलहाल, ये देखिए चिकन बॉयल करने के डाल दिया, 400 ग्राम चिकन है। ठीक है, तो इसको बॉयल कर खा लेंगे, और भाई कल हमारा मैच है, फिलहाल अभी खाते हैं थोड़ा। सबसे बढ़िया फ्रूट है भाई, वाटरमेलन खाया करो गर्मी में, फैट गेन नहीं होता, तो 20-25 कैलरी होती है 100 ग्राम में, और बढ़िया है यार, मस्त है, टेस्टी भी होता है, मीठा भी होता है, खाने में मज़ा आता है, सीजनल फ्रूट है, और सीजनल फ्रूट तो खाना ही चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो खाते हैं और क्या, रेस्ट करते हैं भाई, चिकन वगैरह तो चिकन खाएंगे फिर। इस रात के 11:30 बज गए हैं भाई, और नींद नहीं आता था, IPL का मैच देख रहा था मैं, तो मैच देख लिया मैंने, और अभी फिलहाल सोते हैं। जैसे कि चिकन वगैरह सब खा लिया मैंने, पपीता पपीता बोल रहा हूँ, वाटरमेलन लाया था सब खा गया, और ब्रेड भी खा गया मैं, देखिए पेट भर गया भाई पूरा। तो चलिए सोते हैं, कल हमारा मैच है, शायद 1 की 2 मैच है, कंफर्म नहीं है, कल सुबह बताऊंगा मैं आपको पूछ के। फिलहाल गुड नाइट, और कल एक नए ब्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, मैच होगा, 4 दिन रेस्ट किया हम लोग अच्छे से, और कल हमारा मैच है, परसों भी मैच है, फिलहाल देखते हैं कल कहाँ मैच है, सब कुछ बताएंगे आपको कल के ब्लॉग में। ठीक है, गुड नाइट एंड टेक केयर।